आप तक पहुंचाने के लिए भोजन के लिए मैं सादर मंत्री करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित मंजा सिंह प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के पुरस्कार वितरण के अवसर पर मैं महान माननीय राज्यपाल का हार्दिक स्वागत है। मंत्री माननीय कोरी साहब और सभी अधिकारीगण सामने उपस्थित इस खूबसूरत प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए इस जिले के और प्रदेश के तमाम कोनों कोने से आए हुए फल साग भाजी पुष्प के प्रेमी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपने विभाग के तरफ से आदरणीय इस प्रदेश के उद्यान के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को, शायद देश का पहला प्रदेश होगा कि ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिसमें हमने इस विभाग से 80 से लेकर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया है। और ये जो फूल है आज कितना खूबसूरत लग रहा है इस खूबसूरत प्रांगण में, और इस प्रांगण में मौजूद जो यहाँ पे किसान है, फल प्रेमी, साग सब्जी प्रेमी और पुष्प जो प्रेमी यहाँ पर दिख रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इस प्रांगण की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरी अपील है सारे लोगों से कि आज मेरे विभाग के द्वारा जो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, निश्चित रूप से ये फल जो उद्यान विभाग है, ऐसे तमाम जो छोटे छोटे किसान जो बड़े किसान नहीं इस प्रदेश में हैं, आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा सूबा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं और उसमें भी ऐसे सीमांत किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास खेती बहुत कम है, जो गन्ना का खेती नहीं कर पाते, गेहूँ और चावल के बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाते, लेकिन छोटे खेतों में भी वैज्ञानिक तरीके से जिस तरीके से फल सब्जी का उत्पादन करते हैं। कल माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे थे स्टॉल को, आने वाले दिन में इस उद्यान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की निश्चित रूप से जो जीडीपी हम 3 गुना है, आने वाले दिन में हम और 3 गुना बढ़ाने का संकल्प हमें आज भी यहाँ लेना है। इसलिए साथियों, ज़्यादा मैं न कहते हुए इतना मैं जरूर करूँगा, आज माननीय राज्यपाल के द्वारा ऐसे तमाम लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, फल के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आदरणीय राज्यपाल के द्वारा हर साल उनको पुरस्कृत किया जाता है। आज भी माननीय राज्यपाल के द्वारा ऐसे तमाम जिन्होंने सालों साल तक अपने लगन से तन्मयता के साथ काम करके, आज इस सौभाग्य का दिन होगा कि माननीय राज्यपाल के हाथ के द्वारा जिन्हें पुरस्कार मिलेगा, मैं समझता हूँ आने वाले दिन में माननीय राज्यपाल से भी और चाहूँगा कि ऐसे लोगों का जो उपयोग है, क्योंकि ऐसे अच्छे वैज्ञानिक तरीके से जिन लोगों ने अपने स्टॉल को लगाया है, सजाया है, आज जो प्रदेश के लोग उससे देख करके प्रभावित हैं और उत्सुक है कि आने वाले दिन में उसी रास्ते पर ही चलना है, तो ऐसे लोग जो पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी लाभ है सरकारी स्तर पे, सरकार स्तर पर भी हमें इनका उपयोग करना चाहिए कि आने वाले दिन में आने वाले और भी जो उनके पीछे खड़े लोग हैं, जो दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर रह जाते हैं, अपनी ईमानदारी से काम करके और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और उनकी उपयोगिता अगर हम सरकार के स्तर पर लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में उद्यान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का हमें और अवसर मिलेगा। ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी का मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से आज इस पुरस्कार वितरण में आपने जो कीमती वक्त दिया है, आज जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका सानिध्य प्राप्त होगा, और जिस तरीके से आपके आशीर्वाद और सानिध्य में हमारे उद्यान विभाग के सारे कर्मचारियों ने पूरी तन्मयता के साथ स्टॉल को सजाने लगाने में यहाँ तक पहुँचाए हैं, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन में निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले साल में उद्यान सिर्फ इस प्रदेश नहीं बल्कि देश में अपना एक मुकाम हासिल करने का संकल्प लेता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आज ये अवसर पर आदरणीय सारे अपने हम सब के अभिभावक और माननीय राज्यपाल साहब जी का
मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने मंचासीन तमाम मंत्री और अधिकारियों का स्वागत करते हुए। आप सभी जो दर्शक बंधु, क्योंकि आपकी जो खूबसूरती इस प्रांगण की है आपकी वजह से है, अगर आप न होते तो शायद इतना जो खूबसूरती वह नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सारे अपने पत्रकार बंधुओं का कि जो कल मैंने देखा आज के अखबार में जिस तरीके से आपने स्थान दिया है उद्यान विभाग को, निश्चित रूप से पूरे देश में, मैं दिल्ली सुबह पहुंचा वहां, दिल्ली में वहां के अखबारों में बड़ी प्रमुखता से माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री का जो स्टॉल का भ्रमण था देखने के बाद सारी फोटो आई है, और इससे लोगों के मन में एक भाव जगा है उद्यान के प्रति, फल के प्रति, फूल के प्रति, इस प्रदर्शनी के प्रति। इसलिए मैं सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।